अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है, मैं रेडी हुई थी जाने के लिए डॉक्टर के पास। चुके थे CMH, और यहाँ पे मुझे किसी एक मेरे इंस्टा की फॉलोअर थी, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि डॉक्टर जाहिद हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर जाहिद जो है न्यूरो सर्जन, सो उन्हीं के पास आए हैं। और इसके अलावा GMH में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, वहाँ न्यूरो फिजिशियन है। सो मेरा जो मसला था वो न्यूरो सर्जन का ही था। सो जो लास्ट हार्ट इंटरनेशनल वाला जो है, वहाँ पे चेक करा करा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो मैंने सोचा कि डॉक्टर स्विच कर लेना चाहिए, क्या पता किसी के हाथ में शिफा हो, आराम मिल जाए। सो यहाँ पे हम आ गए हैं OPD, और ऑब्वियसली बात है सिविलियन के लिए जो है शाम को ही खुला होता है। और उसके बाद जी यहाँ पे सारा वो जो है कार्ड शार्ट बनवा लिया था, और अभी जो है इतना कोई रश नहीं था। उनके PA मतलब बैठे हुए थे, उससे पहले जो हमसे पहले थे 2-3 जो हैं पेशेंट थे, उसके बाद हमारा नंबर था। सो हसन भी साथ, और हसन की शरारतें एज़ यूजुअल वैसे ही होती है, बच्चे कहाँ कहीं पर टिक के बैठ जाए ऐसा हो नहीं सकता। सो इसके बाद जी हम लोग अभी चेक करा लिया था, और डॉक्टर ने यही मतलब सारा हिस्ट्री उनको बताई, और सारा बताया कि ये मसला है। सो ये भी बताया कि जॉब करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक्सरसाइजेज उन्होंने जो एक पेज है वो दिया है, उसके अलावा मेडिसिंस दी हैं। और जब उन्होंने जॉब का सुना तो ही वॉज़ लाइक कि आप इस हालत में भी जॉब कर रही हैं। सो एनी हाउ जॉब तो मतलब ज़रूरी है। उन्होंने यही कहा कि मतलब दवाइयों से आपकी हड्डी जो है वो टेढ़ी हुई हुई है, तो हड्डी आपकी दवाइयों से तो ठीक नहीं हो सकती। सो आपको खुद एहतियात करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने मतलब हाथ और बाजू पे इतना आपने जोर नहीं डालना। सो यहाँ पे है, आप वो करेंगी तो फिर आप ठीक हो सकेंगी जल्दी, वरना नहीं होंगी। और इसके अलावा जी अभी हम लोग वापस जा रहे थे, और मगरिब का टाइम भी हो गया था। उसके अलावा जाके जो है मैंने ग्लासेस दी हुई थी, जो मेरा शीशा टूट गया था, सो वो तो लग गया था, लेकिन अभी जो है साइड से वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई थी, वो भी ठीक करानी थी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें लेनी थी हसन के लिए स्टोर से खाने पीने की, सो उधर जाएंगे। डॉक्टर का यही है, अल्लाह करे बस आराम आ जाए, ये मेडिसिन स्टार्ट करती हूँ, किसी भी मेडिसिन से आराम आ जाए। अब तो मेरा ये है कि मतलब किसी भी मेडिसिन से आराम आ जाए तो ठीक है। सो अभी चलते हैं और आगे स्टोर। इसके अलावा जो है हसन के मैंने फुल ट्राउज़र्स वाले कपड़े लेने थे, क्योंकि हम लोग जाते हैं वॉक करने, तो उसको बहुत ज़्यादा मच्छर जो है वो काटता है। सो लोकल मार्केट ही आए थे, इधर से मैं देखने आई थी कि मतलब यहाँ से मैंने पहले भी लिए थे, मैंने आपको दिखाया था, इनके बड़ा अच्छा स्टफ़ है। ये धामा मोड़ में है, और जो पिंडी में रहते हैं उनको पता होगा अड्याला रोड। सो इनका स्टफ़ बड़ा अच्छा था, पूरी जो है गर्मियों के वो ख़राब नहीं हुआ। सो मैं यहाँ पर लेने आई थी, और मैंने इनसे पूछ रही थी कि फुल जो ट्राउज़र है वो आपके पास है, तो वो कह रहे थे माल आया हुआ है, लेकिन अभी जो हैं उनके जो शॉपर्स बंडल्स होते हैं वो अभी खुले नहीं हैं। सो कल आप आइएगा तो कल जो है हम लोग ओपन कर लेंगे। सो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं दूसरी जगह पे देख लेती हूँ, ताकि जो है कल ऑब्वियसली बात है वॉक करने जाना है, तो ये हो के मतलब उसकी साइज जो है कवर हो, तो उसको मच्छर ना काटे। दूसरी जगह पे आए थे, और यहाँ पे भी कोई ख़ास इतना मतलब था नहीं, और प्राइजेस इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा घर में पहनने के लिए और आम पहनने के लिए चाहिए, सो 1000 और इस तरह स्टार्ट हो रहे थे। सो इसलिए अभी नहीं लिए, कल दोबारा मतलब जाएंगे उसी शॉप पे जिन्होंने कहा था कि बंडल्स वगैरह खुलेंगे, सो फिर उनसे लेंगे। और इसके बाद जी अभी आगे जो है स्टोर जाना था। अभी जी आगे क्लासिक, और यहाँ पे मैं देख रही थी ये हसन को बहुत पसंद है, ये तिल वाले जो होती हैं ना, लाइक टिक्कियाँ टाइप होती हैं, सो ये हसन बड़े शौक से खाता है। सो इसके लिए मैं ले रही थी, और प्राइजेस इतनी कोई मतलब इंक्रीज़ हुई हैं कि जैसे बस। और इसके अलावा मैंने अपने लिए जो लेनी थी खजूरें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि खजूरें आपको एनर्जी देती हैं, सो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, और इस वजह से मैंने खजूरों का एक पैक लिया। और बादाम लेने थे, क्योंकि लास्ट में नहीं ले सकी थी बादाम। और इसके अलावा इंजीर, आजकल मेरा ये फुल जी को वो हुआ है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊंगी जो आपको एनर्जी दें। सो यहाँ पे मैं देख रही थी इंजीर, और इंजीर भी मतलब इतनी सी और 500 समथिंग की थी। एनी हाउ
सो यहाँ पे ये लेना था, और इसके अलावा जी डोनट्स वगैरह, और दूसरी साइड पे जाना था और वहाँ से दूसरी चीज़ें लेनी थी। उमेर जो है ऊपर गाड़ी में ही थे, और यहाँ पे मैं देख रही थी बॉडी स्प्रेस, क्योंकि उमेर की भी ख़त्म हो गई थी और मेरी तो वैसे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। सो मैं अपने लिए तो नहीं देख रही थी, उमेर के लिए देख रही थी। और यहाँ पे मुझे एक तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि बार बार वो करके स्प्रे, तो यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स तो रखे नहीं होते कि आप मतलब आपकी जो है फ्रेगरेंस नाक से वो चली जाए। सो मुझसे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप आ जाए उमेर, तो वो हसन इतना तंग रहा था, सो यहाँ पर मैं देख ही रही थी। और उसके बाद जो है फिर चली गई थी और चीज़ें लेने के लिए, नगेट्स वगैरह लेने के। मोस्टली जो चीज़ें होती हैं हसन की होती हैं, क्योंकि मतलब घर में ही मैं ऐसे कहती हूँ कि कुछ ना कुछ दे दूँ, जब इसको इतना मैं ज़्यादा भी नहीं देती, मतलब थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ दे दूँ। और इसके अलावा जी वापस आ गए थे और पुलाव बनाना था, और सही थकावट हुई हुई थी, सो अभी मैं पुलाव बनाने लगी थी। और ये जी मसाला वगैरह रेडी हो रहा है, और रात का खाना बना रही हूँ, क्योंकि दिन को जो है लास्ट डे का बचा हुआ था भिंडी, सो वो खा लिया था। और अभी जो है मैं बना रही हूँ पुलाव, और बहुत ही मज़े का जो है पुलाव बन गया था, अब दम लगाना है। सो ये हैं सारी चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ। सो आई वॉज थिंकिंग कि आप लोगों के सब शेयर की जाएँ कि क्या क्या। सो ये आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, वो जो स्टिक्स ही होती हैं, और ये जो रोलर्स हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं, इनको जो है हम लोग मेरे और मेर के लिए, क्योंकि जब हम नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे होते हैं रात को, और लेज मतलब सभी खा रहे होते हैं हसन में और मेर। और इसके अलावा जी ये नगेट्स लाई हूँ, और ये टेस्टी वालों के। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह थोड़ी सेहत बेहतर हो तो मैं हसन के लिए खुद बनाऊँगी घर में। और इसके अलावा बादाम, और मतलब इतने छोटे से पैकेट होते हैं और इतना एक्सपेंसिव। सो इसके अलावा खजूरें लाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस होती है तो मतलब ज़रूरत होता है। सो ये इंजीर, इंजीर से ये है कि आप मतलब आपके बोन्स के लिए भी अच्छी होती है, और इसके अलावा जो ब्लोटिंग हुई होती है, बंदा फूला हुआ होता है, तो वो उसके लिए भी अच्छी होती है। ये हसन के लिए जो है तिल वाली जो है वो लाई हूँ। सो यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा।